मैं भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से लेक्चरर हूँ, पदवी शिवकुमार नाम है। मैंने जो जो दिल्ली के 214 गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं दिल्ली में 214 गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उसमें एक बहुत बड़ी विचित्र समस्या उत्पन्न होती है कि जैसे ही कोई SST का उसका प्रमोशन आ रहा होता है, उसके साथ दो चीजें होती हैं, या तो कोई ना कोई छोटा मोटा उसके ऊपर आक्षेप लगा करके उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक सेकंड नहीं लगाता उसकी अप्रूवल देने के लिए। दूसरी बात यह है कि या तो उसकी ACR को खराब कर दिया जाता है ताकि उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ना मिल सके, तो इसको रोका जाए, हर हालत में रोका जाए। और जितने भी ऐसे साथी हैं जो सस्पेंड हो गए हैं या उनके खिलाफ डी है, कई तो ऐसे लोग हैं जिनकी डी को डायरेक्टर रिफ्यूज कर चुका था, लेकिन वो फिर मैनिपुलेशन हो करके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं या रीजनल डायरेक्टर हैं उनकी अप्रोच आ करके वो कहीं ना कहीं फंसे हुए। तो ऐसे लोगों को इन ऐसे प्रभाव से मुक्त किया जाए, और उनके खिलाफ जिन्होंने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पहला तो ये सुझाव है। दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन में SC और ST मिलाकर के 22.5% ये रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये जो रिजर्वेशन दिया गया है इसके हिसाब से 10 में से 3 पोस्टें हमारी बनती थी फर्स्ट, फोर्थ और नाइन्थ। अब जो नए जो 98 में जो रोस्टर लागू हुआ है उसमें SC को 7वीं पोस्ट गई है और ST SC को दूसरी 14वीं और ST को 15वीं सीट गई है, यानी हमें 15 में 3 मिलेगी। कई जगह ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ केवल 10 सीटें या 12 सीटें, वहां केवल हमें एक सीट मिल रही है, और जो प्ली दिया गया है वो ये दिया गया है कि देखिए आप चूंकि 15% है SC वाले, तो उसका 15 छिक के 90, 7वीं पोस्ट पर नंबर आता है, और अगर हम आपको पहली पोस्ट देते हैं तो 100% रिजर्वेशन हो गया। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ सम्मानित सभी भाइयों से कि अगर उनको 100% पहली जनरल सीट है उसको 100% किया, दूसरी जनरल सीट है 200%, जब उनको 200% होता है जो जिसके लिए रिजर्वेशन है उनको आप 7वीं पोस्ट दे रहे तो रिजर्वेशन है का? दूसरी बात, 12 या 13 पोस्टों तक आपका एक ही व्यक्ति रहता है, इसका मतलब जो रिजर्वेशन का पॉइंट है वो घट करके 10 से नीचे 7-8 पॉइंट पर आ जाता है। ये बहुत बड़ी विचित्र समस्या बनी हुई है। बाकी जो अभी जो मुहिम बताई है सर ने वो बहुत बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और सुझाव है कि जितने भी चाहे वो SC ST आयोग का अध्यक्ष हो, SC का या ST का या जो सफाई कर्मचारी, मेरा ऐसा सुझाव है कि ऐसे में जिसको लीगल जानकारी हो, जो व्यक्ति इन कार्यों को समझता हो, ताकि वो आगे जो भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको ढंग से वो पकड़ सके या उनके खिलाफ अच्छी तरह से कार्रवाई कर सके, ऐसे लोगों को वहां भेजा जाए ताकि वो अच्छी तरह समाज का भला कर सके। धन्यवाद।